सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि प्रीसेट कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे भाई लोग तो कहते हैं प्रीसेट दे दो, लेकिन मेरे भाई आज सीखा जाएगा ना कि प्रीसेट बनता कैसे है और कैसे क्या रीज़न है और प्रीसेट का मतलब क्या होता है। मेरे भाई आप सबको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। ये तो हमारा ओरिजिनल फोटो हो गया मेरे भाई, लेकिन एडिट होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है। तो ये हमारा प्रीसेट के माध्यम से बना हुआ फोटो है मेरे भाई। तो वही आप लोग भी खुद का प्रीसेट बना के और कुछ इस तरीके से एडिटिंग कर पाएंगे और बहुत ही आसान स्टेप में मेरे भाई बताया हूँ। तो प्लीज़ यार, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो चलिए मेरे भाई, बिना किसी बकवास के इस वीडियो को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। एंड मेरे भाई, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार एक बार और बोल देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू होंगे तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मेरे भाई आप सभी को क्या करना है, यहाँ से अपना ओरिजिनल फोटोस जो होगा इसको डायरेक्ट लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर कर देना है। तो चलिए फटाफट से हम क्या करते हैं, लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे भाई ऊपर के साइड में नोटिफिकेशन आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद इस लाइटरूम एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद मेरे भाई यहाँ ऑल फोटोज़ के ऊपर आप सभी को क्लिक कर लेना है। ऑल फोटोज़ के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई आप सभी को यहाँ पर हमारा ओरिजिनल फ़ोटो तो दिख जाएगा। तो मेरे भाई अब खुद का प्रीसेट कैसे बनाएं और खुद का लाइट एडजस्ट करके कैसे करें, सब कुछ मतलब स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आप लोग तो एक डेमो देख लीजिए पहले क्या करना है आप सभी को। तो यहाँ पर लाइट के ऊपर क्लिक किए, इसका एक्सपोजर बढ़ाए तो ये लाइट बढ़ रहा है। तो लाइट को मेरे भाई पूरा नहीं बढ़ा देना है, लाइट को उतना बढ़ाना है जितना आपके काम आ सके, इतना हमारे काम आ सकता है। और यहाँ ये कंट्रास्ट है, तो कंट्रास्ट को इतना ना बढ़ा देना कि पूरा आपका फीका फीका सा हो जाए, थोड़ा सा कंट्रास्ट को बढ़ाना है। और ये मेरा जो होता है ना मेरे भाई, ये हाईलाइट मतलब जहाँ आपके फेस के ऊपर देखिए, यहाँ पर अगर लाइट ज़्यादा आ गया है तो यहाँ इसको कम करेंगे तो ये लाइट ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। देख लिए यहाँ पर एडजस्ट कर लिया ऑटोमेटिक। अब बारी आती है शेडोस को बढ़ा दीजिएगा एंड वाइट्स को बढ़ा दीजिएगा एंड ब्लैक्स को बढ़ा दीजिएगा। इतना काम कर लीजिएगा जब, अब आपको क्या करना होगा, कलर्स के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ मिक्स के ऊपर क्लिक करना है। इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई अगर आप येलो कलर बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं एंड मेरे भाई येलो प्रीसेट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सभी को ग्रीन कलर को सिलेक्ट करना है, पूरा इसका ह्यू कम करना है एंड पूरा इसका सेचुरेशन बढ़ा देना है। और उसके बाद मेरे भाई येलो कलर को सिलेक्ट करके इसका पूरा सेचुरेशन बढ़ा देना है। तो ये हमारा येलो कलर में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आपका मतलब फेस वाइट नहीं है, अगर आप फेस वाइट करना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे भाई इसका सेचुरेशन कम करके और लुमिनस को बढ़ा दीजिएगा, तो यहाँ से हमारा फेस वाइट हो जाएगा। उसके बाद मेरे भाई अगर आपको ये कलर पसंद नहीं आता है, अगर आप ग्रीन कलर प्रीसेट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे भाई आपको कुछ नहीं करना है, ग्रीन कलर को सिलेक्ट करना है, इसका ह्यू थोड़ा सा कम करना है और इसका ह्यू को थोड़ा सा बढ़ा देना है। तो यहाँ हमारा एक ग्रीन कलर बन गया है। इतना तो काम हो चुका है मेरे भाई। तो अब बारी आती है कि प्रीसेट को क्रिएट कैसे करें। उससे पहले मेरे भाई दो चार काम होता है। अगर आप अपने फेस में टून डालना चाहते हैं, प्रीसेट जब भी मतलब कोई टून डालना चाहता है, मैं बता रहा हूँ कैसे, यहाँ ग्रेडिंग के ऊपर क्लिक कीजिएगा। और किसी को अगर फेस अच्छा नहीं लगता है ना, तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर क्लिक करना है और जिस भी टून में अपने फेस को बनाना चाहते हैं उस टून को आप लोग इजिली अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे को ये टून थोड़ा वेस्ट लग रहा है तो इसको हम अप्लाई करके यहाँ से डन कर देते हैं। उसके बाद मेरे भाई आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले तो आप सभी को यहाँ इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद मेरे भाई क्लियरिटी को बढ़ा लेना है, टेक्सचर को बढ़ा लेना है। उसके बाद मेरे भाई यहाँ से बिफोर एंड आफ्टर देख लेना है, पहले और अब में कितना ज़्यादा फर्क आ चुका है। अब बारी आती है कि खुद का प्रीसेट कैसे बनाए। तो यहाँ बैक आना है और यहाँ पर देख लीजिए ऑटोमेटिक एक प्रीसेट ये बन चुका है, लेकिन इस प्रीसेट को यहाँ से निकालना कैसे है ये सबसे बड़ी डाउट हो जाती है। तो इस प्रीसेट को मेरे भाई यहाँ से निकालने के लिए सबसे पहले इस फोटोज के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद मेरे भाई यहाँ ऊपर शेयर के ऊपर क्लिक करना होगा आप सभी को,
और नीचे देखिए एक्सपोर्ट एएस का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर मेरे भाई आपका कुछ और होगा तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप डीएनजी सिलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ से डीएनजी। उसके बाद मेरे भाई यहाँ सही के निशान के ऊपर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद मेरे भाई यहाँ से ये सेव हो चुका है, ठीक है ना। अब आपको गैलरी को ओपन करा के दिखा देता हूँ मेरे भाई, क्योंकि ये प्रीसेट बन चुका है। तो आपको कैसे देखना है प्रीसेट बन चुका है, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई आर ए डब्ल्यू लिख रहा है, यानी प्रीसेट बन चुका है। अगर आप सभी को प्रीसेट खुद का अच्छा से नहीं बन पाता है तो आप लोग क्या कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद मेरे भाई मैं बहुत सारा वीडियो देते रहता हूँ, जैसे कि ये हमारा एक वीडियो है, यहाँ पर आप देख लीजिए ये हमारा वीडियो है। इसको ऊपर क्लिक करके आप यहाँ मोर के ऊपर क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पर फिर मोर के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर मैं खुद का पर्सनल प्रीसेट बना के रखा हूँ मेरे भाई, जो कि वन क्लिक में बहुत ही आसान स्टेप में आप सभी को मतलब एडिट कर देगा। तो यहाँ से आप लोग डायरेक्ट डाउनलोड करके लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर करके आप बहुत ही इजी स्टेप में फ़ोटो को एडिट कर पाएंगे। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।